हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ का. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेवन्थ. चैप्टर है हमारा, सिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट. अब सेवन्थ में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट. स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट में और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास स्केयर. स्केयर होता है कि किसी भी नंबर की टू टाइम्स या उसकी टू पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केयर. क्यूब होता है कि किसी नंबर का थ्री टाइम्स कर दिया हमने, कि उसकी पावर थ्री कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब. इसी तरह से देखो, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे हम. इंट्रोडक्शन में क्या है? इन नेचुरल नंबर एन इज ए परफेक्ट क्यूब. कोई नेचुरल नंबर एन हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब होगा कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m, सच दैट, अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर m है, वो सच दैट एग्जिस्ट करता है किसको? m मल्टीप्लाई m, कि m की अगर थ्री टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो n के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे? n हमारे पास क्या है? एक परफेक्ट क्यूब. कैसे? जैसे हमारे पास m इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 2. अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो क्या बोल देंगे हम? 8 इज ए परफेक्ट क्यूब. कि जो 8 है वो क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है. किसका? 2 का. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखने में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब. अब m और n से रिलेटेड दे रखा है मैंने, तो n एक नेचुरल नंबर है. और कब होगा वो क्यूब, परफेक्ट क्यूब? जब n इज इक्वल टू 8 होगा एंड m इज इक्वल टू क्या लेके आए हमें? 2. कि n इज इक्वल टू 8, वो कैसे हो जाएगा? 3 टाइम्स m के इक्वल हो जाएगा. तो n की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू क्या है? 2. 2 को 3 टाइम्स लिखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इक्वल हो गए. तो क्या बोल देंगे हमारे पास? कि ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब. अब 3 भी रख सकते हैं, 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. तो क्या आ जाएगा? 27. इसी तरह जब हम 4 रखेंगे तो 4 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64. 5 का रखेंगे तो 3 टाइम्स 5 लिख लेंगे, 5 5 जा 25 25 5 जा 125. इसी तरह से हम इसको अप्लाई करते रहेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? इसका क्यूब. कि किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? कि उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स. आपके पास जो नंबर्स हैं, किन्हीं भी नंबर्स का हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखते हैं क्या हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड. जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का क्यूब भी क्या आएगा? एक ऑड नंबर. जैसे हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा. फिर अगर हमारे पास 3 है तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा. 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा. 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 7 7 7 7 जा 49 49 7 जा 343. तो इसमें लास्ट डिजिट 3 है तो क्या है? ओड नंबर है. तो क्या बोल सकते हैं हम? कि किसी भी ओड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा? एक ओड नंबर. ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड है क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन. किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो क्या आता है? एक इवन नंबर. जैसे 2 का क्यूब निकाल देंगे तो कितना आएगा? 2 2 2. 3 टाइम्स लिख देंगे, कितना आया? 8. इसी तरह से अगर हम 4 का क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, कितना आया? 64. 6 का क्यूब निकाल देंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36. 36 की अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 216. ये भी हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया. तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका क्यूब. तो हम क्या बोल देंगे बेटा? कि हमारे पास कैसे नंबर आ रहे हैं? अगर इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो कैसे नंबर आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं. और अगर ऑड नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो कैसे नंबर आ रहे हैं? ऑड नंबर आ रहे हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी इवन नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो इवन नंबर आता है हमें, और अगर किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा. नेक्स्ट है थर्ड, क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव. किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा. कैसे? देखो, जैसे हमारे पास है -2. -2 का जब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या आएगा?
माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू। अब देखो माइनस कितने टाइम्स है, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स माइनस है। आपको बता रखा है कि इसको क्या लिख देंगे, माइनस वन की पावर थ्री होगी, क्योंकि वह माइनस 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 को माइनस वन की पावर थ्री लिख देंगे और टू बच गया अब हमारे पास, टू की पावर कितनी हो गई, थ्री। लेकिन जब भी नेगेटिव की पावर ओड है तो हमेशा क्या आता है, ओड नंबर आएगा, और जब सॉरी नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अब माइनस वन की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की जब हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस है। अब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस माइनस माइनस है, कि एक अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगी हमेशा माइनस। इसलिए माइनस वन का क्यूब भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और टू का क्यूब क्या आएगा, एट। माइनस थ्री का क्यूब निकाल लो, माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो हम क्या करेंगे, माइनस थ्री टाइम्स है तो क्या लिख देंगे, माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी सेवन। माइनस फोर का क्यूब निकाल रहे हैं, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर, थ्री टाइम्स माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आ गया, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख दूँ माइनस टू की पावर फोर, तो हम क्या करेंगे, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई। अब कितने टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स, फोर कैसा नंबर है, ओड नंबर सॉरी इवन नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, फिर ये माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो पूरा का पूरा क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसको जो भी हमारे पास आएगा वो प्लस में आएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब नेगेटिव की पावर ओड नंबर है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखना। तो हमने क्या लिखा, माइनस टू का क्यूब क्या लिख देंगे, माइनस एट आएगा, माइनस थ्री का क्यूब क्या करेंगे, माइनस ट्वेंटी सेवन। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बाई बी, पावर क्या है, वॉल क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों की पावर को, क्या लिखेंगे, ए क्यूब, और इसको भी अलग से कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा, ए क्यूब, और ये क्या आया हमारे पास, बी क्यूब। इसी तरह से एक और हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो भी नोट करना, ए क्यूब, ए और बी पूरे का क्यूब। कोई भी दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई का क्यूब है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। दोनों की पावर मैंने अलग अलग कर दी और कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। अभी तक हमने क्यूब पढ़ा, अब क्यूब रूट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कैसे, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास ये सिंबल आता है, क्यूब रूट का सिंबल होता है, देखो स्केयर रूट का सिंबल होता है हमारे पास, ये मान लिया ए स्केयर लिख दिया, तो स्केयर रूट का होता है सिंबल ये, ठीक है, या इसके अंदर यहाँ टू लिखा होता है। अदरवाइज हम सिंपल अगर ये छोड़ देंगे तब भी हमारे पास पता है हमें स्केयर रूट का होता है। लेकिन जब हमारे पास क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट की पावर क्या होती है, क्यूब रूट होता है क्या, थ्री पावर के लिए। तो इस थ्री को ऐसे लिख के और इसको ये जो रूट है इसके अंदर ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर आ गया, तो ये इसका मतलब क्या है, ये थ्री मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, क्यूब रूट है। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं कि पावर थ्री, क्यूब रूट को हम अगर ऊपर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वन बाई थ्री। और जब हम स्केयर रूट को लिखते हैं ऊपर की साइड, तो स्केयर रूट को हम कैसे लिखते हैं कि ए स्केयर है, इसका अगर हमें लिखना है तो ए की पावर टू, और ऊपर पावर कितनी लिखते हैं हम, वन बाई टू। स्केयर रूट की पावर वन बाई टू होती है और क्यूब रूट की पावर वन बाई थ्री होती है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट है इसके अंदर थ्री, थ्री का मीनिंग क्या है, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ माइनस ए क्यूब। इसको मैंने कैसे सोल्व किया, माइनस ए क्यूब, और क्यूब रूट है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, वन बाई थ्री, थ्री से थ्री पावर कैंसिल हो गई तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सेकंड है थ्री टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ए बी, अब अलग अलग कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ बी कर दिया, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, इसके लिए भी हम अलग अलग कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी, बट जो बी है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो पूरा का पूरा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये थी हमारे पास क्यूब रूट चैप्टर सेवन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ना, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा। ओके, थैंक यू।